उत्तरी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा सप्ताह है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोमवार सुबह 5 बजे तक साप्ताहिक कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा और सड़क पर निकले लोगों से पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है। गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक है, आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, आज साप्ताहिक कर्फ्यू है, आज शनिवार का दिन है और ये कहा जा रहा है कि सोमवार सुबह 5 बजे तक इस साप्ताहिक कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी हम कर्फ्यू का दौर देख चुके हैं जब वीकेंड पर कर्फ्यू लगा और आज दूसरी बार है जब वीकेंड पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है। फिलहाल हैदर अली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर, आज दूसरा सप्ताह है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि जो पाबंदियां लगी हैं उससे आंकड़ों में कमी आ रही है? क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं अभी पीक पर जाएगा और हमें सावधानी सतर्कता बरतनी जरूरी है, लोगों को भी सोचना होगा और प्रशासन को भी। हर्ष, ये दूसरा सप्ताह है वीकेंड कर्फ्यू का और पूरी तरह से लॉकडाउन है सिर्फ एसेंशियल सर्विस को छोड़कर, लेकिन सवाल आपका अहम है, क्या इससे कोरोना के केसों में गिरावट आएगी? अगर हम पिछले 2 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां पिछले 24 घंटे में 24,000 कोरोना के मामले सामने आए, ठीक उससे एक दिन पहले 27,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए थे, तकरीबन 4,000 नए मामलों में कमी आई है, लेकिन इसमें एक सवाल यह भी है कि टेस्टिंग भी कम हुई है। तो कई लोगों का यह भी कहना है क्या वाकई दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर कोरोना की जो थर्ड वेव है वो गुजर चुकी है या टेस्टिंग कम हो रही है, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरा यह है कि वीकेंड कर्फ्यू 2 दिन है हफ्ते में, लेकिन उसके अलावा 5 दिन जो दिल्ली में है वो पूरी तरह से लोगों की लापरवाही भी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही मिलती है और जो एक धारा प्रवाह है जो लोगों का वो सड़कों पर बाजारों में नजर आ रहा है, भले ही ओड इवन हो लेकिन वैसा कुछ तस्वीर दिखती नहीं है। तो वीकेंड कर्फ्यू उतना कारगर साबित नहीं हो पाएगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन आपने बंद कर दिया उसके बावजूद भी कई जगहों पर मार्केट चोरी छुपके से खोली जा रही है या जहां ओड इवन है। चले हैदर, आप बने रहिएगा, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर में भी वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, वीकेंड लॉकडाउन आप उसे कह सकते हैं, गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, अगले आदेश तक लागू रहेंगे ये प्रतिबंध जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू इस वक्त लगा हुआ है। हैदर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ अनिल शर्मा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जम्मू से तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अनिल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, वीकेंड कर्फ्यू है फिर भी आंकड़ों में कमी देखने को नहीं मिल रही है, जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है और क्या वाकई लगता है कि इन पाबंदियों से असर देखने को मिलेगा? अनिल हर्ष जी, मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं इस ऑर्डर पर आपको थोड़ा सा रूबरू करवाना चाहूंगा। इस ऑर्डर के मुताबिक अगर देखा जाए तो नॉन एसेंशियल्स का जिक्र किया गया है, हालांकि पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर जो है इसको क्लियर नहीं किया जा रहा और आम जनता के बीच में जो है एक पैनिक सा क्रिएट हो चुका है। हालांकि देर रात इस ऑर्डर को जारी किया जाता है और यह कहा जाता है कि इसको पाबंदियां नॉन एसेंशियल्स पर जो है वो पाबंदियां लगा दी है। मेरी कुछ देर पहले चैंबर ऑफ कॉमर्स से बातचीत हो रही थी और चैंबर ऑफ कॉमर्स का जिक्र करना चाहूंगा तो उनके प्रधान जो है उनका यह कहना था कि प्रशासन की तौर से जो है कोई भी ऑर्डर जो है हमारे तक नहीं जानकारी दी गई और एकदम से जो है वो देर रात को ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, उसमें नॉन एसेंशियल्स का जिक्र किया जाता है। हालांकि अभी देखिए आम जनता में जो है जिस तरह से आपने सवाल किया क्या पाबंदियां लगाने से कोरोना पर रोकथाम लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, हालांकि आपने पिछले दिनों देखा कि कहीं ना कहीं जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं गंभीर बनती हुई नजर आ रही थी। और इस ऑर्डर का अगर मैं मुताबिक जानकारी आपको दे दूं तो आम जनता के बीच में कहीं ना कहीं पैनिक सा क्रिएट हो चुका है। ठीक है अनिल, मैं आपके पास लौटूंगा, हैदर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर, एक सवाल मैं आपसे खास तौर पर लेना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर भी देख रहे हैं कि पाबंदियों का दौर चल रहा है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में भविष्य ठीक होगा? क्योंकि अगर हम टेस्टिंग की प्रक्रिया का जिक्र करते हैं तो टेस्टिंग की प्रक्रिया बेहद कम रह रही है। चलिए फिलहाल हैदर से संपर्क हमारा टूट चुका है, हम कोशिश करेंगे हैदर से संपर्क साधने की और पूरी कोशिश करेंगे हैदर आप तक जानकारी पहुंचाने की। फिलहाल
जम्मू कश्मीर से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक की खबर हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से पाबंदियों का दौर चल रहा है, लेकिन आप सावधानी सतर्कता बरतिए। अगर जरूरत है, सबसे ज्यादा ही जरूरत है, तभी आप घर से बाहर निकलिए, नहीं तो शनिवार इतवार यानी वीकेंड पर आप अपने घरों के अंदर ही रहिए, क्योंकि लॉकडाउन जैसी, पूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति आन ना पड़े उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी, यानी सावधानी नहीं सतर्कता बरतनी होगी, अपने परिवार को बचाना होगा, अपने देश को बचाना होगा, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, ये एक्सपर्ट और डॉक्टर कह रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ये अपने पीक पर होगी, जब खास तौर पर हम देखेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात हो सकते हैं। फिलहाल दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से आज वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा सप्ताह है। पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है और पुलिस पूछताछ कर रही है जो आवाजाही इस वक्त कर रहा है, और ऐसी तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर के अंदर भी नजर आएगी, क्योंकि दुकानें जम्मू कश्मीर के अंदर बंद है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल अगर कोई बाहर निकल रहा है तो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो दो तस्वीरें एक जैसी हैं लेकिन अलग अलग जगह की है। एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर हम आपको जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों का जिक्र करना बेहद जरूरी है। और ये तस्वीरें ही आपको बताएंगी कि किस तरीके से पाबंदियों का दौर है और आपको बेवजह घर से बाहर तो बिल्कुल भी